द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम पॉपुलेशन स्टडीज के जून 2020 के पेपर का आंसर की डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 से 85 तक के क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर प्रेजेंट करूंगा। तो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, विच एमंग द फॉलोइंग आर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल फैमिली प्लानिंग मेथड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसके रिगार्डिंग जो आंसर है 1, 2, 3 और 4, इसी में से कॉम्बिनेशन करके पूछा गया है। इसमें आंसर 3 हो जाएगा, ए एंड सी, ओरल पिल एंड इंजेक्टेबल। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग मेथोडोलॉजी टोटल कितने होते हैं और उनके सब टाइप्स क्या हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, व्हेन ए वुमन पुट हार्मोन्स इन हर बॉडी दैट प्रिवेंट हर इन गेटिंग प्रेगनेंसी, दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज कॉल्ड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके टाइप्स को हम यहाँ पर एक फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथोडोलॉजीज ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मेथोडोलॉजीज में 3 होंगे, एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल मेथड, इसको पुलिंग आउट मेथड भी कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेज मेथड और शॉर्ट में SDN मेथड। इसके बारे में डिटेल में आप बुक्स में या गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उतने ही पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे और इसके कॉन्सेप्ट से ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में टोटल ये 3 टाइप के आएंगे, एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल एंड स्टैंडर्ड डेज मेथड, और आर्टिफिशियल मेथड में टेम्पोररी एक होगा और दूसरा होगा परमानेंट। तो टेम्पोररी की बात हम यहाँ पर बाद में करेंगे, पहले परमानेंट समझ लेते हैं। परमानेंट मेथोडोलॉजीज में फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड मेल स्टेरिलाइजेशन होगा। इस फीमेल स्टेरिलाइजेशन को ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं और मेल स्टेरिलाइजेशन को वेसेक्टोमी। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं ट्यूबेक्टोमी एंड मेल स्टेरिलाइजेशन को वेसेक्टोमी। तो ये एक परमानेंट मेथड होंगे जो 2 टाइप के होंगे, और टेम्पोररी मेथड में हार्मोनल मेथड, बैरियर मेथड एंड IUCD मेथड। तो इस पूरे फैमिली प्लानिंग मेथोडोलॉजीज को मैंने यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू समझाया है। यहाँ से एग्जामिनेशन के हर सेशन में, चाहे वो जून का एग्जाम हो या दिसंबर का एग्जाम हो, अभी तो फिलहाल एक ही एग्जाम कंडक्ट हो रहा है पिछले 1-2 ईयर्स से, तो मैंने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के इस हेडिंग्स के अंदर में सब हेडिंग्स भी डाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें आपसे यहाँ पर हार्मोनल मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपने यहाँ पर अभी इसका कॉन्सेप्ट देखा कि व्हेन ए वुमन पुट हार्मोन्स इन हर बॉडी विच प्रिवेंट हर इन गेटिंग प्रेगनेंसी, तो हार्मोन्स कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर ओरल पिल हो जाएगा और इंजेक्टेबल हो जाएगा। बी में जो दिखा हुआ है कॉन्डोम, ये एक बैरियर मेथड हो जाएगा, और IUD कहिए या IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर IUCD लिखा होगा तो इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहेंगे, और सिर्फ IUD होगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव वहां से हट जाएगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। और ये जो चारों हैं ये टेम्पोररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग होते हैं। जैसा कि इस चार्ट में यहाँ पर दिखाया गया है, 2 टाइप के मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में ये 3 टाइप के होंगे, आर्टिफिशियल में भी फिर से 2 टाइप के होंगे, टेम्पोररी एंड परमानेंट। टेम्पोररी में जितने भी फैमिली प्लानिंग किट्स हैं टेम्पोररी मेथड कहलाएगा, और परमानेंट मेथड में स्टरिलाइजेशन होगा, जिसको फीमेल के केस में ट्यूबेक्टोमी और मेल के केस में वेसेक्टोमी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, विच शुड बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव का करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। वेयर एस कोरेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक, एम कोरेस्पॉन्ड टू मिजरेबल, ए कोरेस्पॉन्ड टू अटेनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। यहां पर आंसर चूज करने के लिए कहा गया है, तो इसमें से स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, मिजरेबल एंड रियलिस्टिक, ये 4 हो जाएगा, सेंसिटिव इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, A, B, C और E। यहां 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B, C, E। इसको भी मैंने एक फिगर के थ्रू समझाया है। पहले समझ लेते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज ए कॉन्क्रीट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। तो इस फिगर के थ्रू आप समझ चुके होंगे कि एक अच्छे रिसर्च ऑब्जेक्टिव का करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए।
इसका एब्रिविएशन मैंने ऊपर में ही समझाया, यहाँ पर इस फिगर में मेंशन भी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिसमें एस एम आर एंड टी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक और होता है ए अटेनेबल, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट वन में, ए रिसर्च हाइपोथेसिस इज ए प्रेडिक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर फैक्टर्स एंड द प्रॉब्लम अंडर स्टडी दैट कैन बी टेस्टेड। ये बिल्कुल क्लियर है कि एक रिसर्च हाइपोथेसिस एक प्रेडिक्शन होता है या एक एक्सपेक्टेशन होता है जिसका इफेक्ट पॉजिटिव या निगेटिव, ये दोनों हो सकता है। देन स्टेटमेंट टू में क्या है, ए रिसर्च हाइपोथेसिस यूजुअली कंसिडर्स पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अंडर स्टडी ऑन आउटकम वेरिएबल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वन हम एक हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं, वो हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेशन होता है हमारा, और उसके बेसिस पर जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू यहाँ पर दोनों सही होगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, ऑप्शन आपका वन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है, एक कोई लड़का है, एक प्रपोजल रख रहा है, विल यू मैरी मी, इस लड़की के साथ। हिज एक्सपेक्टेशन इज दैट शी एक्सेप्ट और रिजेक्ट हिज प्रपोजल। जब इसने मैरिज का प्रपोजल रखा तो चूंकि लड़की स्टैटिस्टिशियन थी, उसने कहा आई रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। फॉर्चुनेटली लड़का भी स्टैटिस्टिशियन ही है, लेकिन उस समय ये समझ नहीं पाया कि उसने एक्चुअली में क्या कहा। ये मायूस होकर जाने लगा और फिर अचानक उसे समझ आया, उसने तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। मींस रिजेक्ट मींस यस, बिकॉज द नल हाइपोथेसिस मींस नो चेंज। यहां पर इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाया गया है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो चेंज, एंड दिस मींस आई रिजेक्ट द स्टेटस सो देयर इज नाउ ए चेंज इन अवर स्टेटस टू एंगेज टू बी मैरिड। इस बेस्ट एग्जांपल को समझाने के लिए एंड्रयू ए जॉलिक, इन्होंने इस बुक में इस पूरे फिगर को मेंशन किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए टू जेड कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइड। मेरा ये पर्सनल थिंकिंग है कि प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। इस बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस दिए गए हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं फिगर्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू पर बेस्ड था, जो कि रिसर्च हाइपोथेसिस से है। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्लियर है, आंसर आपका एक सही हो रहा है। यहां टिक कर लेते हैं आंसर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, ये एक मैचिंग प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है, पॉपुलेशन के मैथमेटिकल फंक्शन को लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना। यहां पर लीनियर ग्रोथ फंक्शन लिखा हुआ है, ये थर्ड से मैच हो जाएगा, पीटी इज इक्वल टू पी जीरो वन प्लस आर टी, एक्सपोनेंशियल जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा फोर्थ नंबर से मैच हो जाएगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ फंक्शन टू से हो जाएगा और लॉजिस्टिक कर्व वन से हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए का थ्री बी का फोर, यहां पर टू में मैच हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर मेंशन कर दिया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट माइग्रेशन इज ए नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ डिसरप्शन एंड डिसलोकेशंस दैट इनइवाइटेबली अकर इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वालरस्टीन ने 1967 में प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के इकोनॉमिक सिस्टम को थ्री पार्ट में डिवाइड किया था और उसी के बेसिस पे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को थ्री लेवल्स में कैटेगराइज किया था, जिसमें एक लेवल होगा कोर, दूसरा सेमी पेरीफेरी एंड तीसरा पेरीफेरी। कोर लेवल में उस कंट्री को रखा था जो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थे और इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, पेरीफेरी में वैसे कंट्रीज को रखा जो नॉन कैपिटलिज्म थे एंड वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई अतापता नहीं था, और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज जिसके कुछ पार्ट कोर टाइप के थे और कुछ पेरीफेरी के, मतलब ये मीडियम क्लास टाइप के कंट्रीज थे। और उनका एक ये स्टेटमेंट था कि कोर नेशन के अंदर में जितने भी कंट्रीज आएंगे वो पेरीफेरी नेशन के अंदर में आने वाले कंट्रीज को एक्सप्लॉयट करेंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल्स, पेरीफेरी कंट्रीज से चीप लेबर उनको अवेलेबल हो जाएंगे और इस पेरीफेरी से
सेमी पेरिफेरी की ओर भी यही कंडीशन फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इनको हाई प्रॉफिट होगा और यही क्राइटेरिया सेमी पेरिफेरी की तरफ से भी होगा। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसकी थ्योरी को वालरस्टीन ने सजेस्ट किया था। यहां पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सजेस्ट दैट देयर इज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच सम कंट्रीज बेनिफिट व्हाइल अदर्स आर एक्सप्लॉयटेड। जैसा कि इस केस में आपको दिख रहा है, कोर कंट्री में जितने भी होंगे वो पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉयट करेंगे। वालरस्टीन डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ही सजेस्टेड 3 लेवल ऑफ हायरार्की इन वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, नंबर पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में टोटल कितने टाइप के नेशंस को कैटेगराइज किया गया है। 3 होगा, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। इसको मैंने एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में समझाया है, कोर नेशन, सेमी पेरिफेरी नेशन एंड पेरिफेरी नेशन। कोर नेशन में वो सारे नेशंस आएंगे जो डेवलप्ड नेशंस होंगे, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जापान। दीज नेशंस हैव कैपिटलिज्म एंड हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। दीज नेशंस हैव हाई वेजेस, नो अमाउंट ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर हाई वेजेस होंगे और इस कंट्री में रहने वाले जो लोग होंगे वहां नो अमाउंट ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन वहां होगा। एंड डेफिनेटली दे एक्सप्लॉयट पेरिफेरल कंट्रीज, मींस लो इनकम कंट्रीज फॉर चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। ये तो कोर कंट्रीज के बारे में हो गया। सेमी पेरिफेरी कंट्रीज में होंगे लेस डेवलप्ड देन कोर नेशन, इस कोर नेशन से लेस होगा लेकिन इस लो इनकम कंट्रीज से ऊपर होंगे, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान, मेक्सिको, ब्राजील, इंडिया, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका। दीज सेमी पेरी कंट्रीज हैव बोथ कोर एंड पेरिफेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके पास कोर वाले भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे और पेरिफेरी वाले भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जस्ट लाइक इंडिया। दे आर द बफर बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी कंट्रीज। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है सेमी पेरिफेरी कंट्रीज के बारे में। और पेरिफेरी के बारे में भी अभी तक आप समझ चुके होंगे कि दीज कंट्रीज हैव लो इनकम, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एंड डिपेंडेंट ऑन कोर कंट्रीज। तो इनके लिए कोर सेमी पेरिफेरी भी हो जाएगा और कोर तो इनके लिए है ही है। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी कंट्रीज में। और यहां पर जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का स्टेटमेंट है और इस थ्योरी को वालरस्टीन ने डेवलप किया था। इसका सोर्स है, मैंने गूगल करके इस वेबसाइट से इस कंटेंट को निकाला। यहां से आप भी सर्च करेंगे तो कुछ ऐसे ही गिने चुने वेबसाइट मिलेंगे, वहां से आप जाकर के कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज स्पेसिफिक पब्लिक प्रोग्राम स्ट्रेटजीज आर इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मलेरिया एंड डेंगू, कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, टीबी एंड एचआईवी एंड एसटीआई एंड एचआईवी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो स्ट्रेटजी है वो सभी टाइप के डिजीज हैं उस पर काबू पाना है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पब्लिक प्रोग्राम है जिस पर कुछ मेन स्ट्रेटजीज है गवर्नमेंट का, तो वो है टीबी एंड एचआईवी, जिसमें टीबी को कंप्लीटली इरेडिकेट करने का जो प्लान है वो 2025 तक है और एचआईवी एड्स को 2030 तक का है। और इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक पब्लिक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहां पर एक बात और मैं बता दूं कि टीबी और एचआईवी ये दोनों कम्युनिकेबल डिजीज है, और एचआईवी के बारे में तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज विंडो पीरियड, एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन होगा और यहां से एचआईवी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ये ऑप्शन सही होगा, इसको मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंडर में 3-4 टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसका सोर्स है एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के वेबसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द हाइपोथेसिस ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज इन माइग्रेशन स्टडीज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से सैमुअल स्टॉफर आंसर सही हो जाएगा। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है सैमुअल स्टॉफर ने दिया था, और अगर आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल ऑफ माइग्रेशन ये किसकी थ्योरी है, तो आपका आंसर होगा एवर्ट ली। इसका मतलब ये होता है कि ये एक सोर्स है और ये एक डेस्टिनेशन है,
इन दोनों के बीच ये जो माइग्रेटेड डिस्टेंस है ये कहलाता है इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स। और इस डिस्टेंस का वजह या इसके पीछे का हाइपोथेसिस ये कहलाएगा इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। अभी ये समझ में आ जाएगा क्योंकि यहां पर ये ओरिजिन है या इसको सोर्स भी कहते हैं और ये डेस्टिनेशन है। तो कोई भी बंदा जब इस ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा तो कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन, बेटर स्टेबिलिटी, सेफ्टी, इन सब के लिए जाएगा। तो ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस को सैमुअल स्टॉफर ने दिया था और इसी इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी का जो एक फिगर हो सकता है उसको मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। आपको यहां पर दिख रहा है ओरिजिन, ये कुछ जस्ट लाइक ये हो सकता है और ये जो बेटर हाउस, बेटर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी ये सभी दिख रहे हैं, ये डेस्टिनेशन हो सकते हैं। तो जस्ट लाइक दिस, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल होगा, आपको मैंने पहले ही बताया। और चूंकि सोर्स से या ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ जब ये बंदा जाएगा तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर हाउस, बेटर एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी। तो जिस वजह से यह ओरिजिन से डेस्टिनेशन की तरफ गया तो यह कहलाएगा इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी। और इसके हाइपोथेसिस को सैमुअल स्टॉफर ने दिया था और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल। पहले हम एरोसोल के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो एरोसोल क्या है, ये इन्वायरमेंट में मिले हुए छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ये एयर हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल तो है ही है, लिक्विड ड्रॉपलेट हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल में घुले हुए कुछ गैसेस भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये जो चार आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्मोक, डस्ट, फॉग, गैसियर सिस्टम, ये सभी कहीं ना कहीं से ये सभी पार्टिकल्स में से आएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल क्या होते हैं। तो एरोसोल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जो प्राकृतिक तरीके से ये सभी इमर्ज होंगे वो नेचुरल कहलाएंगे और जो ह्यूमन मेड होगा वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाएगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि स्मोक जो होगा ह्यूमन मेड हो सकता है और डस्ट भी ह्यूमन मेड हो सकता है। तो यहां से ऑप्शन आपका ए एंड बी ये दोनों सही होगा, आंसर 1 सही हो जाएगा। फॉग और गैसियर स्टीम ये नेचुरल होंगे और कहीं कहीं आपको डस्ट भी नेचुरल में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन डस्ट एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल ये दोनों हो सकते हैं। इस वजह से यहां पर जो ऑप्शन होगा स्मोक और डस्ट ये दोनों हो जाएगा ए एंड बी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, ऑप्शन 1 सही था। एरोसोल, दीज आर द सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और इन अदर गैसेस। जैसा कि यहां पर एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में कुछ पार्टिकल्स हैं जो फॉग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इन्वायरमेंट में घुले हुए कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एरोसोल कहलाते हैं। आयरिश फिजिकल केमिस्ट फ्रेडरिक जी डोनान फर्स्ट यूज्ड द टर्म एरोसोल। ये एक अलग से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि एरोसोल टर्म का यूज सबसे पहले फ्रेडरिक जी डोनान ने किया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड एरोसोल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल एंड सेकेंड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल एरोसोल में क्या होगा, फॉग, मिस्ट एंड गैसियर स्टीम, एंड एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल में स्मोक, एयर पोल्यूटेंट, ह्यूमन मेड डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। व्हाट काइंड ऑफ सेटलमेंट पैटर्न विल बी डेवलप्ड व्हेन बिल्ट अप एरिया इज लेस कॉम्पैक्ट, क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड, सेमी क्लस्टर्ड एंड हेमलेटेड। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पर कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है। सेटलमेंट जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्पैक्ट जिसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कहते हैं और दूसरा डिस्पर्स, इसको आइसोलेटेड या लेस कॉम्पैक्ट या स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं। इस फिगर में आपको दिख रहा है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड लेस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगा वो एक लीनियर वे में होगा और जनरली रिवर वैली के साइड में होगा। तो लेस कॉम्पैक्ट क्या होगा, इसमें हाउसेस तो ऐसे ही होंगे लेकिन ये बिखरे हुए होंगे, मीन्स डिस्पर्स्ड में होंगे। तो इसी वजह से इसको डिस्पर्स सेटलमेंट या आइसोलेटेड या लेस कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट भी कहते हैं। तो इन दोनों फिगर से भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें
क्लस्टर, सेमी क्लस्टर एंड हेमलेटिव, ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन आपका टू सही हो जाएगा। डिस्पर्स मीन्स लेस कॉम्पैक्ट, यहां पर कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स सेटलमेंट के बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। इस डिस्पर्स सेटलमेंट को लेस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी कहेंगे। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है? लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैली एंड ए फर्टाइल प्लेन। एंड डिस्पर्स सेटलमेंट हाउसेज आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पेस्ड विथ फील्ड्स। These settlements are scattered over a vast area and does not have any specific pattern. Compact settlement का तो एक linear pattern होगा, but जो dispersed settlement है इसका कोई भी pattern नहीं होगा, ये without pattern होंगे और सभी houses दूर दूर settled होंगे। Next question है 85 number, which one of the following is a cohort measure of fertility? चार option दिए हुए हैं, GRR, NRR, GFR and CEB means children ever born। यहां पर कोहार्ट मेजर की बात हो रही है, तो कोहार्ट मेजर नेट रिप्रोडक्शन रेट में भी यूज होता है और चिल्ड्रेन एवर बोर्न इसमें भी यूज होता है। यहां पर ऑप्शन आपका थर्ड ही सही होगा, टू सही नहीं होगा, और क्यों नहीं सही होगा मैं अभी यहां पर इसको डिस्कस कर रहा हूं। पहले टिक कर लेते हैं। इस फर्टिलिटी मेजर में जो चिल्ड्रेन एवर बोर्न है, इसमें वुमेन के ऐसे ग्रुप को कंसिडर किया जाता है हु हैव टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टिल डेट, और वैसे वुमेन का भी एक ग्रुप होगा जिनके लाइव बर्थ तो हुए थे बट दीज मदर डाइड एट एनी टाइम लेटर, बाद में किसी भी समय उनका डेथ हो गया। तो इस टाइप के वुमेन्स का एक कोहार्ट बनेगा और इसी वजह से जो चिल्ड्रेन एवर बॉर्न है कोहार्ट मेजर कहलाएगा। नेट रिप्रोडक्शन रेट में क्या है कि इट इज जस्ट लाइक ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, बट इन केस ऑफ NRR mortality is also considered, और वो mortality किस टाइप का होगा? It is a mortality schedule of cohort of women, तो women के mortality schedule का cohort होगा, इस वजह से यहाँ पर cohort measure of fertility नहीं होगा, only children ever born, ये हो जाएगा cohort measure। And what is NRR? It is the number of daughters that would be born to a cohort of women during their lifetime if they experienced a fixed schedule of ASFR, age specific fertility rate। और NRR से related एक दो question और बनता है कि जब NRR is equal to 1 हो तो replacement level of fertility होगा, means कि one mother exactly replace a daughter। NRR greater than 1 होगा तो more than replacement होगा, जिसके वजह से population increase होगा, और जब NRR less than 1 होगा तो उस case में population decrease होगा। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि when NRR is equal to 0 then population is stable। तो इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दिया और क्वेश्चन का आंसर की प्रेजेंट किया आपको समझ में आ गया होगा और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे पूरे वीडियो को एक्सप्लोर करिए, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल में कुछ कंटेंट है और वो आपके काम का है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे अन्य लोगों को भी इससे फायदा हो। और एक स्टैंडर्ड लेवल के मटेरियल के साथ जब वो प्रिपेयर करें तो एग्जामिनेशन में भी अच्छे से डिलीवर करके आ पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो मटेरियल में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।